सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो WBSEDCL को मैं जो क्लास करा रहा हूँ, इस क्लास में आप लोग का फुल एक कंपाइलेशन लेके आया हूँ। वो क्या है, आप लोग का जनवरी से लेकर अगस्त तक जितना भी करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उन सबको मैं यहाँ पे एक पेज में आप लोग का PDF में मैंने कम्प्लीट बनाया है। यहाँ पे टोटल आप लोग देख सकते हो टोटल कितने पेजेस है। यहाँ पे आप लोग का टोटल 5 पेजेस है, ठीक है। ये टोटल 5 पेजेस के जो PDF है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लीज़ मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसको प्रिंट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों का कोशिश किया हूँ जितना कम पेजेस में हो सके मैंने बनाने का कोशिश किया, छोटा छोटा करके लिखा है। देखिए, क्योंकि मेरे को पता है प्रिंट करने में थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अभी अनएम्प्लॉयड है तो एक एक पैसे का कीमत होता है यहाँ पे। तो इसलिए मैं आप लोग का यहाँ पे 5 पेज मैं इसको कंप्लीट किया है, आप लोग प्लीज़ इसको प्रिंट कर लीजिएगा। देन उसके बाद जब भी ट्रैवल करोगे या जहाँ भी जाओगे तो इसको आप लोग कैरी करिएगा, वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। टाइम अभी बहुत कम है, इसलिए मैं आप लोग का बहुत जल्दी जल्दी जितना भी मैं क्लासेस करवा सकता हूँ उतना करवा रहा हूँ। तो चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का जनवरी मंथ का है, ये क्या है, कोवैक्सीन जो वैक्सीन ये बनाया है, ये भारत बायोटेक ने बनाया है। कोविशील्ड ये किसने बनाया, ऑक्सफर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक है अभी वो कौन है, आदर पूना वाला है। और इनको ही क्या दिया गया है, एशियन ऑफ द ईयर दिया गया है। जो एक्स्ट्रा नोट्स में बोल रहा हूँ ना, वो सब आप लोग लिख लीजिएगा। जब आपको इसको प्रिंट करोगे, पीछे साइड आप व्हाइट रखिएगा, उस साइड में आप लोग एक्स्ट्रा जो चीज है वो सब लिख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है, फर्स्ट जो रेसिपियंट है जिसने सबसे पहले वैक्सीन लिया था इंडिया में, वो किसने लिया था, मनीष कुमार ने लिया था। देन नेक्स्ट है सेकेंड, हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टार्ट किया है, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहला फर्स्ट एयर टैक्सी इन्होंने स्टार्ट किया है। क्या है वो जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है उड़ान प्रोजेक्ट है। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर, 23 जनवरी को अब से हम लोग क्या पराक्रम दिवस हिसाब से सेलिब्रेट करेंगे, वो क्या है, आप लोग का बर्थ एनिवर्सरी है। किसका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी है। देन नेक्स्ट फोर्थ, हावड़ा से दिल्ली जो कालका मेल जाता है उसका नया नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। 5 नंबर, यहाँ पे हुबली जो रेलवे प्लेटफॉर्म है कर्नाटका में है, ये साउदर्न वेस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर है। तो ये हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म अभी वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। पहले गोरखपुर था, अब ये हुबली है, ठीक है। पहले खड़गपुर एंड गोरखपुर में कंपटीशन होता था, फिर हुबली ने बीच में से बाजी मार दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे उड़ीसा ने सबसे पहला फर्स्ट फायर पार्क बनाया है। देन इंडिया फर्स्ट लेबर प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट म्यूजियम इन आलापुज केरला, ये केरला में बनाया गया सबसे पहला लेबर प्रोटेस्ट म्यूजियम। ये अगर आप लोग को फास्ट लग रहा है तो प्लीज स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, आप अपने वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी यूज कर ही सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग को स्लो लग रहा है तो इसको फास्ट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। देन नेक्स्ट है 8 नंबर, गोरियाडा जो इंटरनेशनल जो है उसका नाम चेंज करके बाला साहब ठाकरे के नाम पे रखा गया है। और क्या, एयर इंडिया ने एक क्या बनाया है, इन्होंने क्रिएट किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है किस चीज का, फर्स्ट वोमेन फ्लाइट जो डायरेक्ट आप लोग का कहाँ से, सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु आया है। ये सबसे बड़ा वोमेन फ्लाइट क्रियो, फुल मतलब पायलट भी, एयर होस्टेस भी, जो भी है सब वोमेन्स है, कोई भी एक मेल मेंबर नहीं था। तो ये इन्होंने क्या बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। द नेक्स्ट, नीति आयोग ने एक इनॉग्रेट किया वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन द 3 पिलर्स। 3 पिलर्स क्या क्या है, इच्छा, ज्ञान और कर्म शक्ति। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कब से चालू हुआ था, ये 5 ईयर्स प्लान को कैंसिल आउट करने के बाद 1 जनवरी 2015 से ये चालू हुआ था। नरेंद्र मोदी जी का जो एनडीए गवर्नमेंट है वो सबसे पहले आके 2014 में जनधन स्टार्ट किया, 15 में आप लोग का नीति आयोग स्टार्ट किया, 16 में डिमोनेटाइजेशन किया, 17 में आप लोग का GST स्टार्ट किया, 18 में ऐसे करके एक एक साल में कुछ ना कुछ इन्होंने किया है। नेक्स्ट है 11 नंबर में, वन प्लैनेट समिट ये किसने ऑर्गेनाइज किया, 3 लोगों ने मिलकर, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं। सबसे पहला यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जो है सबसे बड़े जो पोस्ट में होते हैं यूएन के, वो है एंटोनियो गुटेरियस। देन डेविड मालपास जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रोन। इन तीनों ने मिलकर ये वन प्लैनेट समिट वर्चुअली स्टार्ट किया था, इन्होंने किया था। देन नेक्स्ट है, इसका थीम क्या है, इसका थीम अगर पूछ लेंगे तो आप लोग पहुंच जाएगा, लेट एस एक्ट टूगेदर फॉर नेचर। देन नेक्स्ट 12 नंबर में यहाँ पे बोला है, जापान ने डिजाइन किया है क्या, सबसे पहला सैटेलाइट, वुडन सैटेलाइट, मतलब काठ से बना हुआ सैटेलाइट इन्होंने डिजाइन किया है। देन नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो, ऐसा मेट्रो जिसमें ड्राइवर नहीं है, वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, मुंबई में। देन नेक्स्ट, सुनील शर्मा कौन है, अभी CEO एंड चेयरमैन है किसके, रेलवे बोर्ड के। एंड सोमा मंडल है फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेल। सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सरकारी ये हम लोग के कंपनीज है। टोटल
10 महारत्न कंपनीज है, 10 महारत्न कंपनी, बेल, सेल, गेल, बीपी, एचपी, ये सब जो भी है ना, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, 10 महारत्न कंपनीज है। देन नेक्स्ट है 16 नंबर, जो ब्रिटिश के हाई कमिश्नर यानी कि एम्बेसडर है वो कौन है, एलेक्स एलिस है। आप लोगों को कौन से तीन सिर्फ पढ़ने पड़ते हैं, एक पढ़ना पड़ता है आप लोगों का ब्रिटेन का, जिसको ब्रिटिश का, और एक चाइना का पढ़ना पड़ता है, और एक यूएस का पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अभी ये ब्रिटिश का ये नया आया है, इसको हम लोग को इसे पढ़ना पड़ेगा 16 नंबर। देन नेक्स्ट है 17, रेशमा नीलूफर नाहा, ये क्या बनी है, फर्स्ट वुमेन पायलट बनी है। पायलट क्या है, एयरप्लेन की पायलट नहीं है, सेल शिप की पायलट है, जो कोलकाता से हल्दियापुर तक ये मरीन पायलट बनी है सबसे पहले, ठीक है। तो देन नेक्स्ट है 18 नंबर, राज अय्यर क्या है, यूएस आर्मी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं। जे राज अय्यर नाम से पता लग रहा है ये एनआरआई है, इंडियन से बिलोंग कर, इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट है 19 में तेंजिन लेकपेल, ये कौन है, सेक्रेटरी जनरल है बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक का आप लोगों को फुल फॉर्म पता रखना चाहिए, आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है आप लोगों को 20 नंबर क्वेश्चन, इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया इन बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी हुआ था, इंडिया 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। देन नेक्स्ट आप लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लियो मेंडोंगा जो है अभी 67 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। देन नेक्स्ट है G7 समिट जो कंडक्ट हुआ होगा, अभी G7 समिट जो है आप लोगों का 2020 में कहाँ पर हुआ था, सऊदी अरबिया में हुआ था, 2021 में कंडक्ट होगा कहाँ पे, ये यूनाइटेड किंगडम में कंडक्ट होगा। देन नेक्स्ट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, गोवा में हुआ था। इसमें इंटरनेशनल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया, बिश्वजीत चटर्जी को दिया गया, जेहतु ये बंगाली तारे तुम्हारे ये पढ़ते हो। और एक मैं बोल दूँ, यही आप लोग का जो PDF है आप लोग का बंगाली में भी मैं प्रोवाइड करूंगा, बट अभी नहीं, ये एग्जाम होने दीजिए WBCDCL के। देन कॉन्स्टेबल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको बंगाली में भी बना के प्रोवाइड कर दूंगा, इसको पूरा बंगाली में कॉपी पेस्ट मार दूंगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का गोल्डन पीकॉक अवार्ड, वही फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है, कौन से मूवी को दिया गया, इनटू द डार्कनेस मूवी को। देन नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, सौंदर्य दे जे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इसको क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड दिया गया है, आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट पद्मा अवार्ड्स यानी कि इंडिया की जो तीन हाईएस्ट अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न सबसे पहला हाईएस्ट होता है, उसको छोड़ के पद्म अवार्ड्स क्या है, पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, पद्म भूषण उसके बाद, पद्मश्री उसके बाद। तो पद्म विभूषण किसको किसको दिया गया है, शिंजो आबे जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, देन SP बालासुब्रमण्यम ये साउथ इंडियन के सिंगर प्लेबैक सिंगर है, एंड नरेंद्र सिंह कप्पानी आप लोगों को पता रहना चाहिए ये कौन है, फिजिसिस्ट है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी बोला जाता है नरेंद्र सिंह कप्पानी को। देन नेक्स्ट यहाँ पे पद्म भूषण अवार्ड क्या तरुण गोगोल एंड सौमित्रा महाजन को दिया गया है, ये सब बंगाली है, इसलिए आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोगों को पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इतना नहीं है, सिर्फ शिंजो आबे और ये नरेंद्र सिंह का पानी पढ़ लो तब भी चलेगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का 26 नंबर क्वेश्चन, इस बार का महावीर चक्र किसको दिया गया है, कर्नल बी संतोष बाबू को दिया गया, तानसेन सम्मान सतीश व्यास को मिला, एंड एक्सरसाइज कवच किस किस ने किया, आर्मी नेवी एयरफोर्स इन तीनों ने मिलके कोस्टल गार्ड के साथ मिलके ये एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज कवच। देन नेक्स्ट है डेजर्ट नाइट 21, ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स ने मिलकर एक साथ किया है। देन नेक्स्ट बुक्स में जो जनवरी में बुक्स लिखे गए, बहुत सारे बुक्स लिखे गए, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही से लेके आया हूँ यहाँ पे, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड ये बुक किसने लिखा है, बमन सुभा प्रभु ने लिखा है, और रेजिंग ईस्टवर्ड्स ये बुक लिखा है जो हिस्टोरियन है, फेमस हिस्टोरियन रोमिला थापर जी का बुक हम लोग WBCS या UPSC वाले कैंडिडेट पढ़ते हैं, रोमिला थापर जी का जो हिस्ट्री के हिस्टोरियंस है। देन नेक्स्ट है देहरादून टू हैव उत्तराखंड फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। देन नेक्स्ट है कजाकिस्तान ने क्या कर दिया है, डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया और डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाएगा। देन नेक्स्ट है न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया है 2025 तक, ताकि ये लोग क्या कार्बन जो रिलीज हो रहा है उस सबको स्टॉप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग ये कहाँ पे फाउंड किया गया, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के गुफा में क्या आप लोगों का जंगली सुअर यानी कि वाइल्ड पिग का जो पेंटिंग है कलर रेड कलर का वो यहाँ पे फाउंड किया गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग का इंडोनेशिया, ठीक है। देन नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, 2021 इज कमेमोरेटेड एज 125th ईयर ऑफ प्रबुद्ध भारत जर्नल जो लॉन्गेस्ट रनिंग मैगजीन है, यानी कि अभी तक ये रनिंग चल रहा है प्रबुद्ध भारत, 125 साल पहले बनाया गया था, अभी तक इसको बंद नहीं किया गया, और भी बहुत सारे मैगजीन बने थे, जुगांतर, यंग इंडिया, ये सब बने थे, सब बंद हो चुके हैं। देन नेक्स्ट है अ डिपॉजिट ऑफ वैनेडियम ये कहाँ पे मिला है, अरुणाचल प्रदेश में मिला है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, वो क्या है, एंटी कन्वर्जन ऑफ रिलीजन लॉ, यानी कि धर्म परिवर्तन करवाते हैं ना, तो वो सब चीज का भी बैन किया है किसने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। देन नेक्स्ट है
आप लोग का अब आता है फेब्रवरी। तो देखिए 10 मिनट में मैंने जनवरी कंप्लीट कर दिया, ऐसे करके आप लोग को 10-10 मिनट में टोटल अगस्त तक 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर दूंगा। तो ध्यान से आप लोग ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करता किसी का। देन नेक्स्ट है लांधर सेतु डैम एंड सलमा डैम, ये कहाँ पे अफगानिस्तान में बनाया गया है काबुल रिवर के ऊपर, बट ये इसके लिए अभी अभी झमेला चल रहा है, आप लोगों को पता ही है काबुल अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। देन नेक्स्ट है सेकंड नंबर यहाँ पे फर्स्ट एवर जियो थर्मल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे बनाया गया, पूगा में बनाया गया, लद्दाख में है जो। देन डिजिटल यूनिवर्सिटी सबसे पहला कहाँ पे है, केरला में है, एंड मेघुमलाई एंड श्रीवल्लभपुत्रम ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनाया गया है, ये आप लोग का तमिलनाडु में है। देन विजयनगर को क्या बनाया गया, कर्नाटका का 31st डिस्ट्रिक्ट, यानी कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है कर्नाटका में, 31st है। वेस्ट बंगाल में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, 23 डिस्ट्रिक्ट है, पहले 19 थे, उसका चार आप लोग के डिविजन हुए थे। जो लेटेस्ट है 2017 में बना था, वो क्या बना था आप लोग का, पूर्व वर्धमान एवं पश्चिम वर्धमान, ये दो तो ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का, रुकिए साफ कर दो, बहुत गंदा हो गया। हाँ नेक्स्ट है 6 नंबर, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 1100 करोड़ रुपीज किस चीज के लिए, माँ कैंटीन के लिए। माँ कैंटीन यानी कि 5 रुपए में डिम भात देगा, कहाँ पे, कोलकाता में दिया जा रहा है। देन नेक्स्ट है 7 नंबर, होशंगाबाद जो कि आप लोगों को मध्य प्रदेश में, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही आप लोग का जो पैसे होते हैं ना, पैसे छापने के लिए जो पेज लगता है वो यहीं से आता है, कहाँ से, होशंगाबाद से आता है, ठीक है। नर्मदापुरम, नर्मदा रिवर कहाँ से आप लोग का ओरिजिनेट हुआ है, नर्मदा आप लोग का अमरकंटक से, यही होशंगाबाद से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट है निक, निक का मतलब क्या होता है, आप लोग जब कुछ भी फॉर्म फिलअप करते हो या कोई भी साइट सर्च करते हो तो nic.nic.in ऐसे करके gov.nic.in करते हो ना, निक का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन सेंटर, सॉरी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। और इन्होंने क्या डेवलप किया है, जैसे व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव डेवलप किया है संदेश, और ट्विटर का ऑल्टरनेटिव डेवलप किया है कूड, ठीक है। देन नेक्स्ट है 9, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 53। देन डेनमार्क टू हैव वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड ऑन नॉर्थ सी, नॉर्थ सी में सबसे पहला एनर्जी आइलैंड कहाँ पे बन रहा है, डेनमार्क में बन रहा है। देन नेक्स्ट है साउथ कोरिया टू हैव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड फार्म, सबसे बड़ा विंड फार्म साउथ कोरिया में बनाया जा रहा है। एंड देन नेक्स्ट है म्यांमार की जो आंग सान सू की काउंसिलर थी, उनको मिलिट्री ने क्या किया, डिटेन कर दिया, पकड़ के लेके चले गए हैं, अभी क्या चल रहा है वहाँ पे, नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है जो भी है। देन नेक्स्ट है विजय संपल कौन है, अभी चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन है, और मारियो ड्रागी अभी प्राइम मिनिस्टर है इटली के, एंड जीन मैकुल सामा लुका ये कौन है, कांगो के प्राइम मिनिस्टर है, अजय माथुर डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल सोलर एलायंस के, जो आप लोग का गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है, ठीक है। देन नेक्स्ट है 17, विक्रम सिंह बेदी ये सीईओ है किस चीज के, गूगल क्लाउड इंडिया के, ठीक है, इंडिया की तरफ से यहाँ पे ये सीईओ है। देन नेक्स्ट है नागोजी ओकुंजा इवेला, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती है, इनको क्या बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है। देन नेक्स्ट है नटालिया विडोला, जो भी ये थोड़ा सा मैं साफ कर दूं इसको, हाँ ये क्या नाम है, नटालिया वोडियो नावा, इनको क्या बनाया गया, यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसिडर बनाया गया, ये कहाँ से बिलोंग करती है, रशिया से बिलोंग करती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स नॉर्मली होता है, खेलो इंडिया गेम्स हर साल होता है, बट खेलो इंडिया विंटर गेम्स इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, आप लोग का जम्मू कश्मीर में कंडक्ट किया जाता है। और आप लोग का सईद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी ये किसने जीता इस साल का, तमिलनाडु स्टेट ने जीता है। देन हिमा दास को क्या बनाया गया है, DSP बनाया गया है, ये आसाम पुलिस की DSP बनी है। और यही पर मैं आप लोग का अभी इंस्टीट्यूट में आज क्या बताया था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे कांस्टेबल, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे DSP, तो अच्छा है खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान दो। देन नेक्स्ट है 23 नंबर, मोटेरा जो स्टेडियम है सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड का, क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में है। इसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी जी ने खुद के नाम पे इसको चेंज कर दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। देन नेक्स्ट 24 नंबर, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन टोटल ओपन कितने होते, 4 होते हैं आप लोग का, ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन, विंबलडन, और उसके बाद आप लोग का फ्रेंच ओपन होता है। तो टोटल 4 ओपन में जितना भी मेन का है ना, मेन का है सब, नोवाक जोकोविक ने जीता, ये आप लोग थोड़ा सा याद करके रखिए, बहुत ही इजी हो गया आप लोगों के लिए। हर साल कोई ना कोई अलग अलग जीतता है, कोई कभी रोजर फेडरर जीतता है, कभी राफेल नडाल जीतता है, तो इस बार हर मैच किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने जीता है। ये कहां से बिलोंग करते हैं, सर्बिया कंट्री से बिलोंग करते हैं, और वोमेन की तरफ से नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती है। देन नेक्स्ट 25 इयर्स की कश्मीर की वोमेन है, क्या नाम है उसका, आयशा अजीज, ठीक है, ये क्या बन गई है वर्ल्ड, ये इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट। अब ये पायलट क्या है, एरोप्लेन वाली पायलट है, ठीक है, जेट प्लेन वाली पायलट है, ये सबसे यंगेस्ट पायलट बनी है किसकी, देन रुकिए हिसाब कर दूं, हाँ। देन नेक्स्ट है आप लोग का रॉबर्ट अरविन,
ये क्या जीता है इन्होंने, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का इन्होंने जीता है। देन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये कहाँ पे है, रोम में है। तो इसका इन्होंने क्या डिक्लेयर किया है, हैदराबाद के ट्री सिटी डिक्लेयर किया है 2020 साल के लिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज जो आप लोग का फेब्रवरी में होता है वो क्या है, सबसे पहला 4 फेब्रवरी में वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन नेक्स्ट 11 फेब्रवरी में समर्पण दिवस जो आपके दीनदयाल उपाध्याय का एनिवर्सरी है। देन 13 फेब्रवरी नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, सरोजिनी नायडू का ये जन्मदिन है। देन नेक्स्ट 21 फेब्रवरी मातृभाषा दिवस जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, एंड 28 फेब्रवरी नेशनल साइंस डे जातीय विज्ञान दिवस जेटा के सेलिब्रेट करी। तो ये क्या है आप लोग का रमन इफेक्ट, इस दिन इन्होंने सीवी रमन ने क्या किया था, रमन इफेक्ट फाइंड किया था। देन नेक्स्ट है आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन, इंडिया एंड यूएस ज्वाइंट वेलफेयर वारफेयर ये क्या है, युद्ध अभ्यास जो है इंडिया एंड यूएस एक साथ एक्सरसाइज करता है। देन सीआरपीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो ये इन्होंने क्या किया है, वोमेन कॉप से ये लोग अपने कोबरा फोर्स में लेंगे। देन नेक्स्ट डीआरडीओ ने 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया है, वो क्या है आप लोग का, हेलेना एक है और एक ध्रुवास्त्र एक है। देन नेक्स्ट इंडिया इंडोनेशिया के नेवी ने एक्सरसाइज किया है पासेक्स एक्सरसाइज ये किया है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे 33 नंबर, 33 में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का आ सकता है। तो इसरो ने क्या बनाया है, जैसे हम लोग क्या है अभी आप लोग का एडमिट कार्ड दे रहे हैं किस चीज का, कॉन्स्टेबल का, फिर आप लोग क्या करोगे, कोई जगह आप लोग को पता नहीं है तो गूगल मैप करोगे ना। तो ये क्या है, ये गूगल किसका है, गूगल का है, यानी कि यूएस के अंडर आता है। वैसे इसरो ने क्या तैयार किया है, गूगल का ऑल्टरनेटिव माई मैप इंडिया ऑल्टरनेटिव स्टार्ट किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे, ये पीजी चंडीगढ़ में बनाया गया है। देन बुक्स में आते हैं हम लोग, ए लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये वो बुड्ढा जो है आप लोग का दलाई लामा टकला करके उसने ये बुक लिखा है। देन नेक्स्ट है दिस लाइफ एट प्ले, ये ग्रीस कर्नाड ने लिखा है। ब्यूटीफुल थिंग्स ये हंटर बिडेन ने लिखा है, जो जोई बिडेन है अभी जो बने हैं उसके बेटे हैं। देन नेक्स्ट हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, ये किसने लिखा है, बिल गेट्स ने लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर थे। और बाय मनी हैप्पी इंडेक्स ये किसने लिखा है, फॉर्मर हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे हमीद अंसारी। और जोई बिडेन कौन है, 43 हमारे ये यूएसए के प्रेसिडेंट है। देन नेक्स्ट है मार्च नंबर, चले यहाँ ये तो 6 मिनट में ही हो गया। देन नेक्स्ट है अब मार्च, कोलंगा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये इंडिया और भूटान एक साथ मिलके बना रहा है, एंड यूपी हैज 8 एयरपोर्ट इन बरेली, 8 एयरपोर्ट बन चुका है यूपी में, या इसका मतलब है हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट कहाँ पे है, यूपी में है। देन नेक्स्ट है मैत्री सेतु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप एकदम अच्छी तरह से पढ़ के रखिए। मैत्री सेतु में क्या हो रहा है, ये एक ब्रिज बनाया जा रहा है, क्या कंडक्ट करेगा ये, फेनी रिवर के ऊपर होगा, आप लोग का त्रिपुरा में होगा, बांग्लादेश और इंडिया को लिंक करेगा। फेनी रिवर के ऊपर क्या बना जा रहा है, मैत्री सेतु बनाया जा रहा है। देन नेक्स्ट 4 नंबर में, बांग्लादेश द ओनली कंट्री वेयर वुमेन इज ग्रेटर देन मैन, यानी कि आप लोग अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो बांग्लादेश चले जाइए, वहां पे आप लोग को गर्लफ्रेंड आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर, यहाँ पे बांग्लादेश में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे वोमेन की संख्या मैन की संख्या से ज्यादा है। और इंडिया में क्या है, ये 940 है, ठीक है, इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, 940 है, यानी कि हर एक था हर 1000 मैन के लिए 940 वोमेन है। देन नेक्स्ट यहाँ पे ये अगर आप लोग का डेटा चाहिए ना, सेंसस डेटा अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है, 5 मिनट का वीडियो, वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोग का अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, इतना सब कुछ नहीं आएगा आप लोग का, 2 या 3 तो मुश्किल से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। देन नेक्स्ट आप लोग का 5th नंबर, थॉमस बाइस को क्या बनाया गया, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। 6th नंबर है लीना नारोहो, ये इंडिया की इकोनॉमिक्स्ट है, ये प्रेजेंट अभी क्या है, सेक्रेटरी जनरल की असिस्टेंट सेक्रेटरी है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरियस, उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी है ये। देन नेक्स्ट एम ए गणपति, ये कौन है, डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो NSG हम लोग बोलते हैं। देन नेक्स्ट है तास्नुव अन्ना शिशिर, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर टीवी प्रेजेंटर बनी है, किसकी, बांग्लादेश की बनी है, ट्रांसजेंडर यानी कि आप लोगों को पता है थर्ड जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं। देन नेक्स्ट है जो हम लोग का राज्यसभा एंड लोकसभा टीवी हुआ करता था ना, राज्यसभा अलग टीवी चैनल होता था, लोकसभा अलग चैनल होता था, तो इन दोनों को मर्ज करके और एक नया चैनल बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग अभी, संसद टीवी बोलते हैं। तो इस संसद टीवी के अभी CEO किसको बनाया गया, रवि कपूर को बनाया गया है। देन नेक्स्ट आतिश चंद्र अभी कौन है, CMD है FCI के, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। देन नेक्स्ट है 11th विजय हजारे ट्रॉफी, यार थक गया हूँ यार, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का किसने जीता है, मुंबई ने जीता है, और अभी जो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी था वो किसने, तमिलनाडु ने जीता था। देन नेक्स्ट है 12 यहाँ पे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020
20 का जो बीबीसी देता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट जो आप लोगों को देता है, ये किसको दिया गया है? कुनेरू हम्पू को दिया गया है। और आप लोग बोलोगे सर फिर मेन का कहाँ पे है? मेन को अभी दिया नहीं गया, ये सिर्फ वोमेन को दिया गया है, ये कुनेरू हम्पू चेस से बिलोंग करती है। देन नेक्स्ट है 13 बेस्ट एक्टर अवार्ड, जो नेशनल फिल्म अवार्ड होते हैं ना, तो उसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड दो को दिया गया, मनोज बाजपेयी को दिया गया है और आप लोग का धनुष को दिया गया है। और बेस्ट मूवी बंगाली कैटेगरी के लिए गुमनामी को दिया गया है, जो प्रसन्नजीत ने बनाया था। देन नेक्स्ट है आप लोगों का ग्रैमी अवार्ड, जो इंडिया वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट म्यूजिकल अवार्ड होता है, ये कौन से सॉन्ग को दिया गया? आई कांट ब्रीद। और ये सॉन्ग किसने गाया था आप लोग के? हर ने गाया था। अब आप लोग सोचोगे हर किसी का फुल फॉर्म होगा, हर कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये सिंगर का नाम है, ये फीमेल सिंगर है। देन नेक्स्ट है जो एल्बम था वो क्या है? फोल्कलोर एल्बम में जीता है। देन नेक्स्ट सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? शरणनाथ कुमार लिम्बाले को दिया गया है, उन्होंने जो अपना नोवेल लिखा था सनातन ने, सनातन ये नोवेल के लिए दिया गया। देन नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी, ये साहित्य अकेडमी कितने लैंग्वेज के लिए दिया जाता है? 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है हम लोग के, 8 शेड्यूल में कितना है? 22 लैंग्वेजेस है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें प्लस 2 ऐड कीजिए, 2 कौन सा है? हिंदी और इंग्लिश, कोई भी शेड्यूल लैंग्वेज है नहीं, तो ये 22 + 2 यानी कि 24 आप लोग का शेड्यूल लैंग्वेजेस है। 24 शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए क्या दिया जाता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। तो बंगाली के लिए किसको दिया गया? मणि शंकर मुखर्जी को दिया गया, कौन से बुक के लिए? एक एकाशी यानी कि 1 + 1 = 81, ये कहाँ से कौन सा लॉजिक बनता है? तो जो भी है हम बंगाली, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ तो हमें गर्वित, हमें बंगाली क्या जो भी है। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए स्टार्ट करें। हाँ साहित्य अकेडमी ये मैंने पढ़ा दिया। व्यास सम्मान ये प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। ओ सॉरी आप लोग को एक चीज बताना भूल गया, वापस सुन लीजिए, अच्छी तरह से सुन लीजिए, जो लोग अभी 20 मिनट तक आप लोग वीडियो देख चुके हो, जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोग जब डाउनलोड करोगे वहां पे आप लोग को पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड क्या दोगे? WBSEDCL21 ये दीजिएगा पासवर्ड, ठीक है? WBSEDCL21 ये आप लोगों को पासवर्ड देना है, ये पासवर्ड वहां पे लिख लीजिएगा। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं तो मैं बोलना भूल जाता हूँ, तो आज बोलना बोला नहीं, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा WBSEDCL21 इसका पासवर्ड है पीडीएफ का। देन नेक्स्ट है क्योंकि क्या है यहाँ पे पासवर्ड मैंने लेट में मर्जी से ही बोला है, बहुत लोग क्या करते हैं वीडियो देखते नहीं और डायरेक्ट वीडियो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ने स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप लोग अब तो देखना ही पड़ेगा आप लोगों को पासवर्ड जानने के लिए। चालाकी चालाकी जो भी है। देन नेक्स्ट है हाँ यहाँ पे गांधी पीस प्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसको दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। ये बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनको जातीय जनक बोला जाता है, फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश का बोला जाता है। देन नेक्स्ट है 22nd को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 23rd मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। किस लिए शहीद दिवस? किस लिए? तीन लोगों को 23rd 23 यानी कि तीन लोगों को क्या कराया गया है? फांसी दिया गया था, राज भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को फांसी दिया गया था, यहाँ पे आप लोगों का लिखा गया। देन डस्टलिंग एक्सरसाइज ये किसने किया? इंडिया उज्बेकिस्तान ने किया है डस्टलिंग एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये कहाँ पे बनाया गया? उत्तराखंड में। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, फॉरेस्ट से अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप लोग उत्तराखंड मारिएगा, कुछ भी आएगा तो आप लोग, जैसे नैनीताल में मूस गार्डन बनाइए, कहाँ पे बनाया आप लोग का? उत्तराखंड में बनाया। देन आप लोग का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। देन आप लोग का एक ब्रिज बनाया गया, फॉरेस्ट ब्रिज बनाया गया, वो कहाँ पे बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया। ऐसे करके जो भी है सब कुछ आप लोग का फॉरेस्ट से रिलेटेड सब कुछ उत्तराखंड में है। देन नेक्स्ट है 22nd फुगाकू, वर्ल्ड का सबसे फास्ट पावरफुल और सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर अभी सबसे फास्टेस्ट वो 63 नंबर में रैंक में है, उसका नाम क्या है? परम सिद्धि। ये कहाँ पे? सीडेक में इंस्टॉल किया जाता है, जितना भी सीडेक में है ये वो पुणे का, पुणे में सीडेक में इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। और इंडिया का सबसे पहला आप लोग का जो क्या था? परम शिवाय यानी कि परम 8000 जो था, तो उस वो भी आप लोग का पुणे में ही इसको इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट आप लोग का 23 नंबर यहाँ पे बोला है क्या है? डेजर्ट फ्लैग जो 6 ये एक्सरसाइज इंडिया UAE ने किया है एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी माय लाइफ एंड स्ट्रगल, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? ये खान अब्दुल गफर खान का ऑटोबायोग्राफी है। देन एवर गिवन ये एक शिप था, आप लोगों को पता ही है क्या? स्वेज कैनल में आप लोग का ये शिप नॉर्मली ऐसे करके जाते हैं, तो वो क्या हुआ? टेढ़ा हो गया था, ऐसे करके ब्लॉक कर दिया था वो, तो पूरा दुनिया को इसने हिला दिया था, एक छोटे से शिप ने पूरा दुनिया को हिला दिया था। तो यहाँ पे जो एवर गिवन शिप था, तो इस एवर गिवन शिप ने जो स्वेज कैनल कहाँ पे इजिप्ट में है, इसको क्या किया था? ब्लॉक कर दिया था स्वेज कैनल को। स्वेज कैनल कौन से दो सी को आप लोग का लिंक करता है? ऊपर जो है मेडिटेरियन सी है, नीचे जो है आप लोग का रेड सी है। मेडिटेरियन सी या रेड सी को आप लोग का लिंक करता है, यहाँ पे मैंने अलग से आप लोग को लिंक भी दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट 26 जेएनके के जो गवर्नर है मनोज सिन्हा है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है आम
आवाम की बात, देन नेक्स्ट जैसे हम लोग का नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, किसी के मन की बात तो सुनते हैं नहीं, तो वही है यहाँ पे आवाम की बात उन्होंने किया है। देन नेक्स्ट है 27 नंबर, यहाँ पे क्या है अशफाकुल्ला जू, ये कहाँ पे बना है, गोरखपुर में यूपी में बनाया गया। देन नेक्स्ट है अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल में क्या है अम्बेडकर का जन्मदिन होता है, इसको हम लोग हॉलीडे सेलिब्रेट नहीं करते थे क्योंकि ये नॉर्मली ऐसे नॉर्मल हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते थे, तो ये इसको हॉलीडे बनाया गया है, अब से इसको हॉलीडे इस डेट में हॉलीडे पड़ेगा आप लोग का। देन नेक्स्ट 29, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे बनाया गया, चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया, जेएनके में, ठीक है, सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, उसका अगर लेंथ पूछ ले इतना कितना हाइट है, 359 मीटर हाइट है। देन नेक्स्ट है बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे बनाया गया, तेलंगाना में बनाया गया है, मैंने सौरो भाषमन सौर विद्युत केंद्र को बनाया गया से तेलंगाना है, ठीक है सर। देन नेक्स्ट है आप लोग का 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने ओपन किया है, क्या किया है, इंडिया कोरिया का फ्रेंडशिप पार्क इनोग्रेट किया है, कहाँ पे, दिल्ली में बनाया है। देन नेक्स्ट है वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर अभी है फंग मिंग चुंग है, और प्रेसिडेंट क्या है निंग जू फोंग है, अजीब अजीब नाम है इनका क्या है। देन नेक्स्ट है चिंग चांग चुंग, नेक्स्ट है अप्रैल में, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला सुभाष कुमार अभी चेयरमैन बने हैं, एंड एमडी, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड एमडी बने हैं किसके, ओएनजीसी के, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसके हेडक्वार्टर दिल्ली में वसंत कुंज में है। नेक्स्ट है टू सेकंड नंबर 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एन वी रमन्ना है, एंड सुशील चंद्रा क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी के। देन नेक्स्ट है 4 नंबर रेखा मेनन को क्या बनाया गया, नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया है, एंड टीवी सोमनाथ कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी है। फाइनेंस सेक्रेटरी किस लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का जैसे नॉर्मली जितने भी नोट्स होते हैं ना सब में किसका सिग्नेचर होता है, आरबीआई का गवर्नर का सिग्नेचर होता है, लेकिन 1 रुपए का जो नोट होता है उसमें किसका सिग्नेचर होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, बहुत लोग गलती से क्या मार देते हो फाइनेंस मिनिस्टर मार देते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा फाइनेंस सेक्रेटरी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 6 नंबर में इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 49, एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस में आप लोगों का 84 है, जेंडर गैप में 140 है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 2023 में होने वाला है ये तस्केंट में होने वाला है, उज्बेकिस्तान का ये राजधानी है। देन नेक्स्ट है बिम्स्टेक जो समिट है ये कौन होस्ट करेगा, अब 2000 यानी कि 17th एडिशन ये श्रीलंका होस्ट करेगा। देन नेक्स्ट है विजडन अल्मानिक अवार्ड, ये क्रिकेट के लिए दिया जाता है हाईएस्ट अवार्ड, ये क्या है विराट कोहली को दिया गया, रिचर्ड हेडले मेडल ये किसको दिया गया, ये केन विलियमसन को दिया गया है जो क्या थे न्यूजीलैंड के कैप्टन थे। देन नेक्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 का यानी कि 51st एडिशन जो किसको दिया गया, रजनीकांत को तलाइवे को दिया गया, कहना मना रस कला जो करते हैं। देन नेक्स्ट है अगर 50th बोल देंगे तो वो अमिताभ बच्चन होंगे, लेकिन 51 अगर बोलेंगे 2021 का वो रजनीकांत को दिया गया। देन नेक्स्ट है 14th नंबर कलिंगा रत्न सम्मान किसको दिया गया, विश्वभूषण को, एलन टर्निंग अवार्ड ये क्या चीज है आप लोग का, नॉर्मली हम लोग का जो नोबेल प्राइज होता है ना वो किस 6 फील्ड्स में दिया जाता है, साइंस के 3 है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम लोग क्या बोल देते हैं मेडिसिन बोल देते हैं। देन नेक्स्ट आप लोग का इकोनॉमिक्स पीस एंड लिटरेचर ये 6 फील्ड में दिया जाता है, लेकिन क्या है कंप्यूटर के लिए नहीं दिया जाता, मैथ्स के लिए नहीं दिया जाता, तो ये सब क्या है कंप्यूटर के नोबेल प्राइज को क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटर को एलन टर्निंग अवार्ड बोलते हैं। ये किसने जीता है, अल्फर्ड बी आओ ने जीता है, और आप लोग का जो मैथ्स के लिए उसके लिए क्या दिया जाता है अबेल प्राइज दिया जाता है, तो अबेल प्राइज आप लोग का मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज बोला जाता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज जो है वो क्या है, 7th अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, इसका जो हम लोग का थीम है वो क्या है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, एंड 18th में वर्ल्ड हेरिटेज डे, एंड 22nd में अर्थ डे, ठीक है, ये रिस्टोर आवर फ्यूचर ये आ सकता है, थीम आते हैं बहुत सारे थीम आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट है वही सभी आप लोग पढ़ो। देन नेक्स्ट है 17th नंबर यहाँ पे इंडिया यूएस ने जो एक्सरसाइज किया वज्र प्रहार है, शांति अग्रसेना ये क्या है मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, बांग्लादेश ने कंडक्ट किया किस लिए, इन लोगों का 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ यानी कि इन लोगों का गोल्डन जुबली कंप्लीट हुआ है बांग्लादेश का लिबरेशन ऑफ वॉर का, यानी कि 1971 में ये लोग स्वाधीन हुए थे, तो उससे 1971 से अभी पकड़ लीजिए तो 50 साल ही तो होता है। देन नेक्स्ट है आप लोग का रुकिए यहाँ पे साफ में कर दूँ, हाँ वरुण एक्सरसाइज का इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया है वरुण एक्सरसाइज। देन नासा ने सबसे पहला स्पेस हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटिव रोवर जो आप लोग का नासा का मार्स में गया था ना मंगल में गया था, क्या गया था परसिवरेंस गया था, परसिवरेंस आप लोग का एक रोवर है उससे निकल के छोटा सा एक पुचकी सा आप लोग का हेलीकॉप्टर निकला था, सिर्फ फोटोज क्लिक कर रहा है, तो वही सिर्फ उस जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम क्या है इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर है, ठीक है। देन तो सबसे पहला हेलीकॉप्टर जो जिसने बनाया है वो किसने बनाया, नासा ने, कहाँ पे मार्स में इन्होंने स्टार्ट किया है। देन नेक्स्ट है ये बुक्स
किसने बिलीव, ये ऑटोबायोग्राफी है किसका है, सुरेश रैना का है। देन क्रिसमस पिग, ये जेके रोलिन का है। जेके रोलिन किसने इम्पोर्टेंट फेमस बनी थी, हैरी पॉटर का बुक इन्होंने लिखा था। देन ले लिविंग माउंटेन, ये अमिताभ घोष का बुक है। देन वेयर अबाउट, ये किसका है, झुंपा लहरी का। यहाँ पे ले बिलीव एंड वेयर अबाउट आप लोग का इम्पोर्टेंट है। झुंपा लहरी का जो भी बुक आएगा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत फेमस वो है, राइटर है। देन नेक्स्ट है शंकर घोष, जो है वेस्ट बंगाल की एमिनेंट पोएट थी, इनका निधन हो गया, ये मारा गया। देन नेक्स्ट है ये जेफ बेजोस, क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है अभी, बिलियनियर में नंबर वन में, नंबर टू में तो एलन मस्क के होंगे। देन नेक्स्ट है 24, आनंदम, ये सेंटर ऑफ हैप्पीनेस इनोग्रेट किया गया है, कहाँ पे, IIM जम्मू में इनोग्रेट किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये फर्स्ट ट्रेन बनाया गया दुर्गापुर से तमिलनाडु तक बनाया गया है। देन नेक्स्ट है मे मंथ का है, तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया, रुकिए थोड़ा सा, टाइम भी हो गया, 12:10 हो रहा है, 7 तारीख है आप लोग का, 8 तारीख यानी कि कल कल आप लोग का एग्जाम है। आपको पहले मैं बता दूँ, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, और आप लोग का जो मॉक सेट मैंने लिया है, 5 नंबर मॉक सेट, उसका आंसर आप लोग को कल सुबह मिल जाएगा। थोड़ा सा मेरे को, मेरे पे रहम करो यार, पूरा सुबह से शाम तक पूरा इंस्टीट्यूट में क्लास करता हूँ, और शाम से रात तक आप लोगों के लिए क्लास में बिजी रहता हूँ। द नेक्स्ट है मे मंथ का जो 21st वाला है, तो यहाँ पे क्या है, इसरो डेवलप था 3 कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उसका नाम क्या है, प्राण वायु एवं संस्था। देन नेक्स्ट है सेकेंड, टू न्यू प्लेसेस वेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि इंडिया में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे, उसमें अब दो नए ऐड किया गया, एक है रामप्पा टेम्पल और एक है धोलावीरा। रामप्पा आप लोग का तेलंगाना में है और धोलावीरा आप लोग का गुजरात में है, यानी कि टोटल आप लोगों का अभी कितना हो गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टोटल हम लोग का 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है इंडिया का, ठीक है। देन नेक्स्ट है दोस्त ऐप, ये CBSE ने लॉन्च किया है। किसान सम्मान निधि में कितना रुपए लिया जाता है, 6,000 रुपए दिया जाता है। डिप्को वैन, ये क्या है, एंटी बॉडी डिटेक्शन किट है, ये DRDO ने बनाया है। देन नेक्स्ट स्टेट असेंबली, मई मंथ में हम लोग का जो सेकंड मई में रिजल्ट आया था ना, कौन से स्टेट के, 5 स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर बने थे, सबसे पहला हम लोग का दीदी बनी थी। देन नेक्स्ट है तमिलनाडु में MK स्टालिन, पौंडीचेरी में N रंगस्वामी, असम में हेमंत विश्व शर्मा एंड केरला में आप लोग का पिनाराय विजयन, जो CPM से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट है ये हो गया 7 नंबर में कैबिनेट, हाँ वेस्ट बंगाल के कैबिनेट ने एक बिल पास किया है, क्या ये लोग अपना क्या बनाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, हाँ था, लेकिन 1969 में इन्होंने क्या कर दिया था, इसको भंग कर दिया था, क्लोज कर दिया था, बट इन्होंने वापस क्या किया, एक बिल पास किया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, बट मोदी जी तो इसको होने नहीं देने वाले, तो रहने दो, नहीं होने वाला। तो अब यहाँ पे क्या है, जो हम लोग का टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं, वो टोटल कितने स्टेट्स में है, 6 स्टेट में है, जिसका ट्रिक मैंने आप लोगों को बता के दिया था, KTM गोवा, ठीक है, K फॉर कर्नाटका, T फॉर तेलंगाना, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, U फॉर UP और A फॉर आंध्र प्रदेश, ये टोटल 6 स्टेट्स में आप लोगों का क्या है, अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, और विधानसभा और विधान परिषद में आप लोगों को डिफरेंस पता रहना चाहिए, ठीक है, विधान सभा आप लोगों का जो चीफ मिनिस्टर वाली होती है। देन नेक्स्ट 8 नंबर, यहाँ पे कामी रेता शेरपा, ये पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने एवरेस्ट को 25 बार एक्सकवेट किया, यानी कि बाप रे 25 बार उठा बैठा किया है। देन नेक्स्ट है 9 नंबर, AD रामा प्राइम मिनिस्टर बने अल्बानिया के, मराठा जो है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है कहाँ के, केनिया की, प्रफुल्ल चंद्र पंत, ये चेयरपर्सन है किसके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, और वैशाली एस हिवा से ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है कि BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, और एंडी जसी ये है CEO अभी किसके, अमेजन के है, जो ऊपर आप लोग का आया था ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जेफ बेजोस आया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जो जेफ बेजोस है, ये अमेजन इन्होंने फाउंडिंग किया था, बट अभी ये इनके CEO नहीं है, इनको हटा दिया गया, अभी किसको बनाया गया है, एंडी जेसी को बनाया गया CEO अमेजन का, ठीक है। देन नेक्स्ट है 14 नंबर, यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया हैज बिकम लार्जेस्ट रेसिपियंट ऑफ रेमिटेंस, मतलब बाहर से विदेश से जो पैसा आता है वो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे आता है, इंडिया में ही आता है। देन नेक्स्ट है इंग्लिश प्रीमियर लीग, ये किसने जीता है, मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। फुटबॉल लीग जो है वो उसका मैंने अलग से बना के रखा है, यूरोपा लीग बेलेरा ने जीता है, चैंपियंस लीग चेल्सिया ने जीता है, और कोपा अमेरिका पता ही है नेमार को हराया किसने, अर्जेंटीनिया ने हराया किसका, आप लोग का मेसी ने हराया, ठीक है, तो यहाँ पे अर्जेंटीनिया। देन नेक्स्ट श्यामल घोष, ये बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, जापान में एक टीचर है, तो इनको क्या दिया गया, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग स्टार अवार्ड दिया गया। देन मारिया रेशा, ये यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया इनको। शकुंतला हरक सिंह को वर्ल्ड फूड अवार्ड दिया गया 2021 का। जेन गोल्डन को क्या टेम्पलेटन प्राइज दिया गया, एंड यहाँ पे ऊपर कर दू 21 नंबर, यहाँ पे क्या बोला है,
शंकर बालासुब्रमण्यम एंड डेविड केलमैन को क्या दिया है? मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज 2021 का दिया गया है। द नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स, इस बार का 2021 की कौन है? एंड्रिया मिजा, जो मेक्सिको से बिलोंग करती है, और इंडिया की सबसे पहले जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो कौन बनी थी? सुष्मिता सेन जी बनी थी। देन नेक्स्ट 31 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको हम लोग ने इस बार का थीम क्या दिया है? कमिट टू क्वाइट, ये दिया गया है। देन नेक्स्ट इंडियन आर्मी टू डेवलप फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग सिस्टम, ये कहाँ पे? ये सिक्किम में ये लोग बना रहे हैं। देन नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट टू डिकमिशन, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो नॉर्मल आप लोगों का सर्च इंजिन होता है वो क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बट अभी तो उतना फेमस नहीं है, कोई चलाता नहीं है, तो इसको डिकमिशन कर दिया है। इनका वो जो नया वाला है वो एज है, जो आप लोग ये पीडीएफ देख रहे हो ना, ये मैं एज में ही करा रहा हूँ आप लोग को, माइक्रोसॉफ्ट एज में। ये थोड़ा सा सिक्योर है गूगल से, तो जो भी है मैं गूगल को ही प्रमोट करूंगा, गूगल में सब कुछ ज्यादा मिलता है। देन नेक्स्ट आप लोग का 26 नंबर लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ, ये बुक किसने लिखा है? सलमान रशीद ने लिखा है, और विप्रो आप लोग का इंडिया का थर्ड आईटी कंपनी है, यानी कि फर्स्ट जो है टीसीएस है, सेकंड हम लोग का इंफोसिस है, थर्ड नंबर में विप्रो है। टीसीएस के फाउंडर कौन थे? आप लोग बोलोगे सर रतन टाटा होंगे, तो रतन टाटा वो क्या है? टाटा ग्रुप के अभी फाउंडर नहीं है, वो सीईओ है। टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन है? जमशेद जी टाटा है, बट टीसीएस टाटा ग्रुप का ही एक जस्ट छोटा सा एक हिस्सा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? फकीर चंद कोहली। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, फकीर चंद कोहली इसके फाउंडर थे, इनका निधन हो चुका है, ये मर चुके हैं, ये कब? जनवरी में, सॉरी मर चुके हैं बोलना तो खराब होगा, तो इनका निधन हो गया है, इनका डेथ हो गया है, ठीक है, थोड़े से सामान से बोलना पड़ता है। तो जो भी है, नेक्स्ट है जून महीना 2021, देन यहाँ पे क्या है आप लोग का? इंडिया अब नया मेंबर बना है किसका? इकोसॉक का बना है, यूनाइटेड नेशन ई कॉमर्स सोशल काउंसिल का, ठीक है। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन सिस्टम, कहाँ पे? प्रोजेक्ट ओटू के तहत बना, इन्होंने ये स्टार्ट किया है। देन नेक्स्ट है मोहित चौहान ने गाना गाया था, किस चीज का गाना गाया था? हम लोग का जो टोक्यो ओलंपिक्स का कंटिजेंट गए थे उनके लिए क्या गाना था? लक्ष्य तेरे सामने है, ये गाना गाया था। देन नेक्स्ट है जेन गार्डन और काइजन एकेडमी, ये कहाँ पे बनाया गया? गुजरात में बनाया गया, ये प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम था, क्या बनाना था उनको? मिनी जापान बनाना था गुजरात को, तो उन्होंने बनाया है। देन नेक्स्ट है राइमो एंड डाइंग पटका, ये दो नए नेशनल पार्क बनाए गए हैं, कहाँ पे? असम में बनाया गया है, और गोवा इंडिया का सबसे पहला रेबीज फ्री स्टेट बना है गोवा, ठीक है। देन नेक्स्ट रेबीज अगर होता है तो आप लोगों को कौन सा प्रॉब्लम होता है? हाइड्रोफोबिया होता है, मतलब पानी से आप लोगों को डर लगता है। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अप्रूव स्टूडेंट, ये तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आ गया, 10 लाख का लोन आप लोग को 5% इंटरेस्ट में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है वर्ल्ड का सबसे पहला कोरोना फ्री कंट्री या मास्क फ्री कंट्री किसको बोला जाता है? अभी इसराइल ने अपना घोषित किया है, इसराइल के जो नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? इसाक हर्जोग बने हैं। देन मॉनेटरी पॉलिसी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कभी नहीं आने वाला आप लोगों का WSDCL में। देन नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, देखिए सेक्रेटरी अलग होता है प्रेसिडेंट अलग होता है, तो सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरियस है, लेकिन प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये म्यांमार के आप लोग के कौन थे? फिर फॉरेन मिनिस्टर थे, तो म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर थे वो अब्दुल्ला शहीद थे, यही आप लोग का अभी क्या है यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है। देन इब्राहिम रईसी, ये ईरान के प्रेसिडेंट है। कुलदीप सिंह, ये एनआईए के डायरेक्टर हैं, एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देन प्रदीप चंद्र नायर, ये डायरेक्टर जनरल है असम राइफल्स के। और LIC के जो नए अभी चेयरमैन बनाए गए, किसको बनाया गया? MN कपूर को बनाया गया है, कुमार को बनाया गया है। और क्या है, अगर LIC के जो चेयरमैन है या कोई भी पर्सन है, इनका रिटायरमेंट एज कितना होता है? जो भी गवर्नमेंट जॉब में आप लोग जा रहे हो तो आप लोग का रिटायरमेंट एज 60 होता है, बट इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? LIC के चेयरमैन का 62 ईयर कर दिया गया, ठीक है। नॉर्मली आप लोग का ये 60 हुआ करता था, बट इसको बढ़ा के 62 ईयर्स कर दिया गया, इस साल ही किया गया, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है अक्षय कुमार को ये कोवी शेल्फ किट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, आप लोग देखिएगा फ्लिपकार्ट में आप लोगों को 250 रुपये में मिल रहा है, तो ये आप लोगों कोवी शेल्फ किट का ब्रांड एम्बेसडर है। एंड मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया कौन सा है आप लोग का? इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में नंबर वन कौन है? बेंगलुरु है। देन नेक्स्ट वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, पहले टोक्यो था, अभी क्या है? अजगाबाद है। ये कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान का ये कैपिटल है। देन नेक्स्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 135 एंड साइबर सिक्योरिटी में 10th नंबर रैंक में है। अगेन फ्रेंच ओपन आ गया, देखिए यहाँ पे कौन जीत रहा है? नोवाक जोकोविच, और वुमेन में बारबोरा जीत रही है। देन नेक्स्ट इंडियन हॉकी टीम के जो कैप्टन थे ओलंपिक्स के लिए, वो मेन के लिए कौन थे? मनप्रीत सिंह थे, और वुमेन के लिए कौन थी? ये रानी रामपाल जी थी। देन नेक्स्ट है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, ये कहां पे कंडक्ट हुआ होना था? ये इंडिया में होना था, लेकिन कोरोना के लिए इसको कहां पे शिफ्ट कर दिया गया? UAE में शिफ्ट कर दिया गया, बट बेसिकली कंडक्ट इंडिया ही करेगा, सिर्फ एरिया जगह शिफ्ट हुआ है, लेकिन कंडक्ट कौन कर रहा है? ये इंडिया ही कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट ICC
टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप ये बार ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, और जो फाइनल मैच खेला गया था साउथैम्पटन में खेला गया था। ठीक है, तो ये आप लोग का विनर कौन है? न्यूजीलैंड है। और आप लोगों को हराया किसको था? इंडिया को हराया था। और मैन ऑफ द मैच केन विलियमसन, काइली जेम्सन है, और मैन ऑफ द सीरीज केन विलियमसन थे। ठीक है, द नेक्स्ट है G7 लीडर्स समिट, ये कहाँ पे होगा आप लोग का? लीडर्स ये यूनाइटेड किंगडम, ये तो रिपीट हो गया जो भी है। तो इसका थीम है वन अर्थ वन हेल्थ होगा। द नेक्स्ट, हु अवार्ड ने अवार्ड किया किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को अवार्ड दिया है। हु डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया है? और इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहले पिछले साल में कौन थे? डॉक्टर स्टुअर्ट थे, सोगी बीन इन्होंने लिखा था। बट इस साल के अगर पूछ लेंगे 2021 का, तो डेविड डायब होंगे। इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। द नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड सुमित्रा मित्रा को दिया गया है। फुकू काकू ग्रैंड प्राइज ये पल्लम गुनम जब भी है पल्ली से लिया। 29 नंबर पुलिसर प्राइज, ये पुलिसर प्राइज आप लोग का किसके लिए दिया जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जर्नलिज्म के लिए, सॉन्ग के लिए, लिटरेचर के लिए, सब चीज के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये पुलिसर प्राइज आप लोग का ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट 30 क्वेश्चन में, यहाँ पे 1 जनवरी में वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं, और 5 जून में हम लोग एनवायरमेंट डे, विश्व परिवेश दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों का थीम है वो क्या है? री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर है। देन कॉर्पोरेट, ये इंडिया थाइलैंड नेवी ने एक्सरसाइज किया है। देन नेक्स्ट है निर्भय, पिनाकिया एंड अग्नि प्राइम, ये डीआरडीओ ने बनाया है। क्या है ये? 3 मिसाइल्स है। ठीक है, ये रॉकेट लॉन्चर है और 2 मिसाइल्स है। ये किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। डिफेंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जिसको बोलते हैं। देन एक्सरे सेतु, ये चीज क्या है? जैसे नॉर्मली आप लोग को कोरोना होता है तो क्या होता है? आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये चेस्ट, चेस्ट में आप लोग को प्रॉब्लम होता है, यानी कि आप लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन में प्रॉब्लम होता है, तो उसको ही चेक करने के लिए आप लोग का एक्सरे किया जाता है। तो ये आप लोग का एक्सरे सेतु है, ये चीज है। ठीक है, देन नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट क्या वुडन सेटेलाइट। देखिए, पहले जो आप लोगों ने पढ़ा, जापान ने क्या डिजाइन किया, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं अभी तक, डिजाइन किया जस्ट डिजाइन, और इन्होंने क्या बना दिया है। ठीक है, इन्होंने जो बादल बरसते हैं वो गरजते नहीं है, वो सब बोलते हैं ना, तो इन्होंने बना दिया है, उन्होंने सिर्फ डिजाइन किया है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज 11 लॉन्च कर दिया है। और बुक्स में इंपॉर्टेंट क्या है? स्टार ग्रेजिंग, ये रवि शास्त्री का है। होम इन द वर्ल्ड, ये अमर्त्य सेन का है, नोबेल लॉरेट है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है विल्ड, ये विल स्मिथ का है, जो आप लोग का मैन इन ब्लैक के जो है ना वही है। देन इंडियाज वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल है, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट होगा आप लोग का। फियर्सी फीमेल, ये दुती चंद का स्टोरी किसने लिखा है? संदीप मिश्रा ने लिखा है। सावरकर, ये बुक कॉन्ट्रोवर्शियल लीगेसी, ये किसने लिखा है? विक्रम संपत ने लिखा है। देन नेक्स्ट 27 नंबर, यहाँ पे बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका निधन हो चुका है, ये बंगाल के फिल्म मेकर है। ठीक है, बुद्धदेव दास गुप्ता का क्या डेथ हो चुका है। देन इनका सबसे पहला मूवी जो था ये क्या था? सोमायर काशे, और जो लास्ट मूवी है ये उरोज आज है। ठीक है, देन नेक्स्ट मिल्खा सिंह का भी डेथ हो चुका है। तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 1958 में गोल्ड मेडल जीता था, 1960 में इन्होंने 4th पोजीशन आया था, जो रोम में ओलंपिक्स हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट 39, यहाँ पे रशिया बिगन्स न्यूक्लियर पावर यूनिट एट गुदानकुल्लम। गुदानकुल्लम में जो आप लोगों का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, तो उसका जो हेल्प कर रहे हो कौन कर रहा है? रशिया हेल्प कर रहा है। गुदानकुल्लम कहाँ पे? तमिलनाडु में है। देन नेक्स्ट है ताज होटल, जितने भी होते हैं ना उसको वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट आइकोनिक होटल ब्रांड दिया बनाया बोला गया है। देन नेक्स्ट है न्यू ह्यूमन स्पीसीज, जैसे हम लोग ह्यूमन स्पीसीज है, हम लोग क्या है? होमोशिपियंस हमको बोला जाता है। नया ह्यूमन स्पीसीज डेवलप किया, मतलब फाउंड किया गया, ये कहाँ पे फाउंड किया गया? इसराइल में फाउंड किया गया। देन नेक्स्ट है जमशेद जी टाटा को वर्ल्ड मोस्ट फिलेंट्रोफिस्ट पर्सन ऑफ द लास्ट डे सेंचुरी बताया गया। 100 ईयर्स में जमशेद जी टाटा सबसे मोस्ट फिलेंट्रोफिस्ट पर्सन है। देन नेक्स्ट है जुलाई मस्ट, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया टू फॉर्मली स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि आप लोगों के जितने भी अब केस चले जा रहे हैं सब लाइव हो रहे हैं, कोरोना के चलते सब केस को पेंडिंग किया जा रहा है ना, तो इसका ही गुजरात हाईकोर्ट ने ये चीज स्टार्ट किया है। देन नेक्स्ट है MPATAG, ये किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैन पोर्टेबल ए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देन नेक्स्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया। देन नेक्स्ट है इंडिया का सबसे पहला ग्रेन ATM कहाँ पे बनाया गया है? ये फारूक नगर में बनाया गया, गुरुग्राम में। ये कहाँ पे है आप लोग का? हरियाणा में है। देन नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को पढ़ना है, ये थोड़ा सा भी गलती से भूलना नहीं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का जो लिस्ट है विनर्स के इंडिया के, वो कौन है? सबसे पहला आप लोग का नीरज चोपड़ा, उसने गोल्ड मेडल जीता है। कितना दूर फेंका था? 87.58 मीटर फेंका था जैवलिन थ्रो में। देन नेक्स्ट है मीराबाई चानू, और ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, मीराबाई चानू ने सबसे पहला मेडल जीता था हम लोग का क्या
जब ये हुआ था, ओलंपिक हुआ था, सबसे पहला मेडल इन्होंने जीता था, क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग के लिए। देन पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन, लवलिया ने बॉक्सिंग के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेंस हॉकी टीम ने 41 ईयर्स के बाद, 41 ईयर्स के बाद 1980 में लास्ट जीता था, 41 ईयर्स के बाद इन्होंने कोई मेडल जीता है, वो भी ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, रवि दहिया ने क्या जीता है, रेसलिंग में 57 केजीज के लिए सिल्वर मेडल जीता है, और बजरंग पूनिया ने रेसलिंग के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब यहाँ पे आप लोग और एक चीज जान के रख लिए, जो फ्लैग बियरर है, जो फ्लैग लेके मार्च पास्ट करते हैं ना सेरेमनी में, ओपनिंग सेरेमनी में, ये वो कौन थे, बजरंग पूनिया फ्लैग बियरर थे। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, टोक्यो ओलंपिक्स का जो थीम था वो क्या था, फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर था, बट लेटर ऑन 2020 में होना था, इसको पेंडिंग करके 2021 में कर दिया गया है, तो उसको ही क्या, आप लोग का टुगेदर बाद में ऐड किया गया, तो ये क्या है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, और इसका आप लोग का ये मोटो है ओलंपिक का, ओलंपिक के टोक्यो 2020 का। ठीक है, आप लोग बोलो सर ये तो 2021 में हुआ, फिर भी इसको टोक्यो 2020 की बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर 4 साल बाद बाद होता है, ताकि इसका नाम चेंज ना हो, टोक्यो 2022 ही रखें। ठीक है, द नेक्स्ट है लॉरेल हेब्बार्ड, ये सबसे पहली ट्रांसजेंडर बनी जिन्होंने एथलेटिक्स में क्या कम्पीट किया, ओलंपिक्स में। ठीक है, सबसे पहली ट्रांसजेंडर बनी, दुती चंद ने क्वालिफाई नहीं किया था इसलिए, नहीं तो ये भी सबसे पहली ट्रांसजेंडर बन जाती है। द नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट 5 स्टार होटल जो रेलवे ट्रैक में बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया, गुजरात में बनाया गया है। इंडिया बोर्न वोमेन बिकम द सेकेंड टू फ्लाई इन टू स्पेस, सबसे पहले कौन थी, ये कल्पना चावला थी, और सेकेंड जो कौन है वो श्रीशा बंतला है। ठीक है, देन नेक्स्ट है विंबल्डन मेंस में कितने जीता है, अगेन नोवाक जोकोविक ने जीता है, और वोमेन में एशले बार्टी ने जीता है, और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर भी कौन है, शेर बहादुर देवबा है, पहले की भी ओली थे उसको हटा के इसको बनाया गया है, शेर बहादुर देवबा को बनाया गया। देन नेक्स्ट है टनल एक्वेरियम, ए मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम, ये कहाँ पे बनाया गया है, सिंगोली रेलवे स्टेशन में बनाया गया, ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। ठीक है, देन नेक्स्ट है चाइना को क्या मिला है, मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिला है, कहाँ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे दुनिया को कोरोना देने के बाद कुछ मलेरिया फ्री हो रहे हैं, क्या बोले इन लोगों को, जो भी है। देन नेक्स्ट है अमेजन ने सबसे पहला फर्स्ट डिजिटल के केंद्र इन सूरत में बनाया है। देन नेक्स्ट है के वेणुगोपाल कौन है, अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं, किसी भी स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, और इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये के वेणुगोपाल। देन नेक्स्ट है मुंबई सॉरी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का कहाँ पे हेल्ड किया गया, ये स्पेन में बार्सिलोना में हेल्ड किया गया है। देन लास्ट खत्म होने वाला आप कुछ ही बचा है अगस्त, तो अगस्त का क्या है आप लोग का, ये नहीं भी आ सकता है क्योंकि अगस्त तो अभी तो हुआ है, अगर आ भी गया आप लोग का, अगर किस्मत खराब है तो आ भी सकता है, तो इसलिए मैंने दो तीन जो इम्पोर्टेंट है वही सब आप लोग का यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट स्मोक टावर जो बनाया गया, ये कहाँ पे, आप लोग का दिल्ली में बनाया गया है, आप लोग का स्मोक जो पॉल्यूशन हो रहा था उसको कम करने के लिए। देन नेक्स्ट है कौन कौन एक्सरसाइज कौन कौन करता है, इंडिया और यूके गवर्नमेंट सॉरी यूके करता है, नेवी करता है। देन नेक्स्ट ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, सीएचएन में लॉन्च किया गया है। देन नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट ईवी फ्रेंडली हाईवे, ये कहाँ पे, दिल्ली से चंडीगढ़ को ईवी फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है। देन नेक्स्ट नेम ऑफ न्यू हिसार एयरपोर्ट जो हरियाणा में था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम लिखा गया है। देन लेट्स गो टू टाइम ट्रेवलिंग अगेन, ये बुक किसने लिखा है, ये सुभद्रा सेन गुप्ता ने लिखा है। देन नेक्स्ट है फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया टू हाउस ए फायर स्टेशन, फायर स्टेशन हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, ये कहाँ पे बनाया गया है, ये आई आई एम्स दिल्ली में बनाया गया है। देन नेक्स्ट है नेक्स्ट आप लोग का 8 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग थोड़ा सा याद करके रखिएगा, भूलना नहीं। फर्स्ट इंडिया सिटी टू अकम्प्लिश 100% COVID-19 वैक्सीनेशन, किसने अकम्प्लिश किया है, भुवनेश्वर ने अकम्प्लिश किया है, और उड़ीसा के जो अभी कौन है प्राइम चीफ मिनिस्टर, वो नवीन पटनायक है, इनको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, फालतू में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट 9 नंबर सेंट्रल फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है, आईआईटी हैदराबाद में सेटअप किया गया है। देन इंडिया बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं ना, हर एक मेंबर्स को एक एक महीने के लिए दिया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने के लिए, तो उसके लिए इंडिया का अगस्त महीने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे, अगस्त तो कंप्लीट हो गया, अभी सितंबर है, तो इसमें आप लोग का और इंडिया के पास पावर नहीं है। तो नेक्स्ट 11 नंबर लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 का किसको दिया गया, सायरस पूनावाला को दिया गया, एंड हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 94, और लास्ट वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है,
है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम चेंज कर दिया गया है। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे 48 मिनट में मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया, देखा कितना फास्ट मैंने कंप्लीट किया है। तो जो भी है आप लोग ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ प्लीज प्रिंट आउट कर लीजिएगा, पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके सिर्फ आप लोग को जो पासवर्ड क्लिक करना है वो है WBSEDCL सब कैपिटल लेटर में, उसके बाद ही 21 आप लोग क्लिक कीजिएगा, आप लोग का आ जाएगा ये पासवर्ड। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।